वो रज्जत दलाल ने तो माफी मांग ली है। सो गाइस अभी यहाँ पर इजाज खान का एक वीडियो निकल कर आया है जहाँ पर वो ये कह रहे हैं कि रजत दलाल और एलवी यादव ने मुझे कॉल कर माफी मांग ली है। अरे वो रज्जत दलाल ने तो माफी मांग ली है, उसने भी सॉरी बोला है, बोले एजाज भाई तुम मेरे बड़े भाई हो, और एलवी यादव ने भी माफी मांगी है माशाल्लाह, और बोला है भाई तुम मेरे बड़े भाई हो, और मुंबई में हम मिलेंगे तो बोले वीडियो भी बना लेंगे। तो मैं बोला तेरे फैन लोग को जरा समझा दे कि गाली गलौज ज्यादा कर रहे, उस चक्कर में तू तकलीफ में आ जाएगा। तो बोला सही बात है भाई, लेकिन मैंने थोड़ी कुछ बोला आपको, मेरे फैन लोग बोल रहे हैं ना। तो इसका फैसला हो गया, बाकी बचा वो बट गाइस इजाज खान की इस वाली वीडियो के ऊपर रजत दलाल का भी रिप्लाई आया है। जहां पे रजत दलाल ये कहते हैं कि ये बंदा सिर्फ अटेंशन पाने के लिए बातें बना रहा है और कुछ भी नहीं। एंड आप लोग खुद देखिए रजत दलाल ने अपने वीडियो के अंदर इजाज खान को और क्या क्या कहा है। भाई मेरा कॉलिंग नंबर ना ऑफ था सुबह से, क्योंकि मैं ट्रेवल कर रहा था फ्लाइटों में। तो अभी दरअसल मैंने देखा है कुछ सॉरी वॉरी का चक्कर बता रखे हमने, कुछ सॉरी वॉरी बोली है। तो देखो एक आदमी लेना चाह रहा है खाली अटेंशन, और हम फिलहाल उसे दे नहीं रहे, तो वो नए नए तरीके अपना रहा है कि क्या बोलूँ क्या ना बोलूँ कि थोड़ी अटेंशन मिले, जो कि हम नहीं देने वाले। उसको सीरियस लेने की कोई जरूरत नहीं है, बॉकने तो 4-5 दिन बॉक के बंद हो जाएगा, इग्नोर करो। सो बाकी यहाँ पर आप लोगों को क्या लगता है कि रजत दलाल और एलवी यादव ने सच में इजाज खान से माफी मांग ली या फिर नहीं, अपने भी नीचे कमेंट कर जरूर से बता देना। एंड गाइस अभी के लिए बस इतना ही अपडेट था, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज बिल्कुल ना भूलें।